गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे सिलेबस क्या है आप लोगों का। ठीक है, एट क्लास का होल ईयर का सिलेबस क्या क्या है ये बता देती हूँ। पहला है ये जो इतना है, ये सारे पॉइंट ये आप लोगों को हाफ के लिए एग्जाम तक कवर करना है। ठीक है, एग्जाम करके ये आप लोगों को इतना ये सारे पॉइंट्स पढ़ने हैं। ओके, उसके बाद से फॉर्म पहले स्टार्ट करते हैं डिटरमिनेंट डिटरमाइनेंट करके। एडजेक्टिव को हम लोग साथ में मिलाकर डिटरमाइनर्स कहते हैं। ठीक है, आर्टिकल्स में हमारा आ जाता है ए एंड जो हम यूज करते हैं नॉर्मल, उसके बाद क्वालिटिव एडजेक्टिव इसमें आपका आता है कि सब्जेक्ट के पहले आप क्या यूज करते हैं, इसको तो पहले हम बात में करेंगे। पहले वी विल स्टडी आर्टिकल्स। ठीक है, क्योंकि आर्टिकल्स और पॉजिटिव एडजेक्टिव को टुगेदर हम लोग डिटरमिनेंट कहते हैं। तो हम पहले करेंगे आर्टिकल्स की आर्टिकल्स डिटरमाइनेंट में कौन सा था आर्टिकल। आर्टिकल होते ए एंड द, ए एंड द को हम आर्टिकल्स कहते हैं। और आर्टिकल्स आर ऑफ टू टाइप्स, लेटर माइनर दो चीजों से मिलके बनता है आर्टिकल और फॉर्म होता है। लेकिन दोनों को टुगेदर हम लेटर माइनर कहते हैं। तो फर्स्ट वी विल स्टडी आर्टिकल। आर्टिकल ए एंड द अपर आर्टिकल, जितने भी ए एंड द होते हैं उनको हम आर्टिकल कहते हैं। देयर आर टू टाइप ऑफ आर्टिकल, द फर्स्ट वन इज डेफिनेट आर्टिकल एंड द सेकंड वन इज इनडेफिनेट आर्टिकल। फर्स्ट वी विल स्टडी अबाउट डेफिनेट आर्टिकल, दैट व्हाट इज डेफिनेट आर्टिकल। फर्स्ट पार्ट ऑफ आर्टिकल होता है और इंडेफिनिट आर्टिकल में ए और एन होता है। ओके,
डेफिनेट आर्टिकल के बारे में Where we use definite articles. We use definite articles in particular point. First point is use before the name of mountain range. Mountain ranges के नाम के आगे हम यूज करते हैं डेफिनेट आर्टिकल दैट इज फॉर एग्जाम्पल वट इज माउंटेन रेंज. माउंटेन रेंज मीन्स की जिसमें एक माउंटेन नहीं हुआ दैट इज माउंट एवरेस्ट जो हुआ. माउंट एवरेस्ट क्या है? माउंट एवरेस्ट एक सिंगल माउंटेन है बट हम द माउंटेन रेंजेस के आगे लगाएंगे जिसमें कि बहुत सारे माउंटेन्स आते हैं. ठीक है, जैसे कि द एल्प्स. एल्प्स एक रीजन है हमारे नॉर्थ ईस्ट में जहाँ पे कि बहुत सारे माउंटेन आते हैं. और द हिमालय. हिमालय को सबको पता ही है कि हिमालय के अंदर कितने सारे माउंटेन आते हैं. ओके, तो इस जगह पे हम यूज करेंगे द. अब जैसे कि द माउंट एवरेस्ट हम नहीं यूज करेंगे, द माउंट ग्लेन नहीं यूज करेंगे. ठीक है, ये हो गया डेफिनेट का फर्स्ट मीनिंग. नाउ coming on the second use of definite articles. तो इसका
ये हो गया डेफिनेट आर्टिकल, ये हमने आर्टिकल एक बार पढ़ लिया, अब इसके बाद स्टडी अबाउट इनडेफिनेट आर्टिकल, ठीक है, इन नेक्स्ट क्लास और इन